वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको गेहूं और आटे की हेल्दी पपड़ी बनाना बताऊंगी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और ये काफी लंबे समय तक, महीने से 2 महीने तक ये खराब नहीं होती है। इसको कैसे हमें सेफ रखना है वो आप मेरी वीडियो में देखेंगे। बहुत ही अच्छी पपड़ी बननी है, आप देख सकते हैं, आवाज आप सुन सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता ही है, साथ ही साथ आप बताएं कि आपने जो पपड़ी बनाई वो कैसी बनी और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। गुड़ की पापड़ी बनाने के लिए 2.5 कप हमने लिया है गेहूं का आटा, 2 टीस्पून हमने यहाँ पर लिए हैं तिल, तिल यहाँ पर मैंने वाइट ही लिए हैं, 1/4 कप चाहिए हमें घी और 3/4 कप हमें चीनी का गुड़, ये बारीक अधकचरा किया हुआ गुड़ है। तो पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें गुड़ का पानी करना है, तो पहले हम गुड़ का पानी कर लेते हैं। 1/2 कप पानी मैंने इसमें ऐड किया है और अच्छा गर्म होने देंगे। पानी गर्म हो गया है तो जो गुड़ हमने लिया था वो इसमें हम डाल देंगे और इसको हमें पिघालना है। गैस की फ्लेम को हम फुल करेंगे और इसको हम गलाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे और कम फ्लेम पे जो है गुड़ को हम पिघलने देंगे। गुड़ जो है पूरा पिघल गया है, आप देख सकते हैं। तो जो घी हमने लिया था वो इसी में हम ऐड कर देंगे और एक बार हम हिला देते हैं और गैस की फ्लेम को अब हमें बंद करना है। तो मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ। अब जो है ये गुड़ का पानी है इसको अब हम ठंडा होने देंगे। मैं तिल लिए थे वो इस आटे में हम डाल देंगे। गुड़ का पानी ठंडा हो गया है तो इसे हम छान लेते हैं छलनी से, इससे जो गंदगी होती है ऊपर की वो सारी निकल जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें गुड़ का पानी डालना है और हमें डो तैयार करना है। ज़्यादा हार्ड डो जो है हमें नहीं लगाना है। इस तरह हम सारा पानी इसमें डाल देंगे। इस तरह आप देखिए हमें इस तरह का डो लगाते तैयार करना है। ज़्यादा टाइट भी नहीं है और ज़्यादा लूज भी नहीं है। डो को सेट होने के लिए 5-10 मिनट के लिए हम ढक के रख देते हैं। और चलिए 5-10 मिनट हो गए हैं तो इसको हम खोल के देख लेते हैं। डो अच्छी तरह से सेट हो गया है, इस तरह आप देख सकते हैं। हल्की से हम चिकनाई लगाएंगे और डो को अच्छी तरह से हम मथ लेते हैं इस तरह, ताकि डो जो है अच्छी तरह से सेट हो जाए। डो को 5-7 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से मथ लिया है। अब इसके हम लोए बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसके बड़े बड़े लोए बनाऊंगी, इसको हमें कट करना है। तो मैं 3 बड़े लोए बना लेती हूँ इसके और इन्हें अब हाथ से अच्छी तरह से दबा दबा के इसको हम गोल करेंगे। कहीं से भी जो है लोई हमारी फटनी नहीं चाहिए। बाकी की लोई को हम एक बार ढक देते हैं ताकि सूखे नहीं। मैंने चकला लिया है, इस पर हल्की सी चिकनाई लगाई है, इस पर हम लोई को बेलेंगे। आप चाहे तो बोर्ड पे भी बेल सकते हैं। मैंने चकला लिया है, इस पर हल्की सी चिकनाई लगाई है, इस पर हम लोई को बेलेंगे। आप चाहे तो बोर्ड पे भी बेल सकते हैं। ज्यादा हमें पतला नहीं बेलना है, थोड़ा ठीक ही रखना है। बड़ी आसानी से ये बेलने में आ जाता है, आप देख सकते हैं। बस इतना ही ठीक रखना है, ज्यादा हम इसको बड़ा नहीं करेंगे। अब इसको कट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी कटोरी ली है, इससे हम इसको कट करेंगे इस तरह दबाते हुए। ये देखिए बड़ी आसानी से कट हो जाता है। इस तरह हमें सभी को कट करना है। आप साइज अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। बहुत से लोग तो छोटी लोया बना के भी उसको बेलते हैं, लेकिन वैसा करने से जो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। इस तरह यदि आप बनाएंगे तो आपकी पपड़ी बहुत अच्छी बनेगी और बिल्कुल भी जो है इसकी किनारे जो है, देखिए आप कितनी अच्छी पपड़ी बनी है, कहीं से भी किनारे जो है कट नहीं होगी इसकी। अब एक नाइफ लेंगे, नाइफ की मदद से हमें पपड़ी के अंदर इस तरह होल करना है जिससे जो है हमारी पपड़ी फूले नहीं। इस तरह जितने भी हमने कट किए हैं उन सभी में हमें इस तरह के छेद करने हैं।
अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट रखी है और सारी पपड़ी को हम इस प्लेट में इस तरह फैला देंगे। इसे अभी हमें सुखाना है। और अब हम दूसरी लोई लेंगे, इस पार्ट को हम साइड में रख देते हैं। इस तरह अच्छी तरह से दबा दबा कर हमें इसकी लोई तैयार करनी है। इसको भी अब हम बेल लेते हैं। इन्हें भी अब हम कट करेंगे। और नाइफ से हम होल कर लेते हैं। होल इस तरह करनी है कि पपड़ी कहीं से फूले नहीं। सारे पपड़ी को मैंने यहाँ पर बेल कर रख दिया है। अब इन्हें हमें पंखे की हवा में 1 घंटे के लिए सुखाना है। जब आधा घंटा हो जाएगा तो इन्हें हम एक बार पलट देंगे। इस तरह हमें इनको पलटना है और जब 1 घंटा हो जाएगा फिर हम इनको फ्राई करेंगे। ध्यान रहे यदि पपड़ी ज़्यादा सूख गई तो वो टूट भी सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सभी पपड़ी जो अच्छे से सूख गई है, दोनों तरफ से मैंने इसको उलट पलट करके सुखा दिया था। आप देख सकते हैं दोनों साइड से सूख गई है। तो चलिए इनको हम फ्राई करेंगे। तेल जो है गर्म हो गया है तो एक एक करके हमें पापड़ी इसमें डालनी है। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर कम कर दिया है और एक एक करके हम इनमें डालेंगे। जितनी आएगी उतनी ही हमें डालनी है। कम फ्लेम पे हमें इनको फ्राई करना है। एक बार हम इन्हें पलट देते हैं। आटे और गुड़ से बनी हुई पापड़ी बहुत ही हेल्दी होती है, तो आप जरूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। इसको बनाने में ज्यादा समय हमें नहीं लगता है। ये पपड़ी गुड़ से बनी है तो बहुत जल्दी लाल हो जाती है, तो हमें इसको कम फ्लेम पे सेकना है। यदि आप फ्लेम को तेज कर देंगे तो ये फटाफट इसमें कलर तो आ जाएगा लेकिन ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। पापड़ी हमारे गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है, तो चलिए इन्हें अब निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी पपड़ी हमारी बनकर तैयार हुई है, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। इस तरह हमें सभी पपड़ी को फ्राई करना है। सभी पपड़ी को मैंने निकाल लिया है। दूसरा राउंड भी हम इसी तरह करेंगे। सभी पपड़ी को मैंने डाल दिया है। गैस की फ्लेम को मैंने कम ही रखा है। कम फ्लेम पे हम इनको फ्राई होने देंगे। इस तरह इन्हें हम निकाल लेते हैं। गेहूं के आटे की बनी हुई खस्ता पपड़ी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी पपड़ी बनी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। यदि आप बनाना चाहते हैं तो जैसे मैंने इस वीडियो में बताया आप उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आपकी पपड़ी भी बहुत ही अच्छी बनेगी। जब ये पापड़ी पूरी अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी तब आप इसको एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख सकते हैं। चाहे तो आप घर पे स्टोर करें या ट्रेवल में जाए तो भी आप इन्हें साथ में ले जा सकते हैं। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। ये पपड़ी हमारे 1 से 1.5 महीने तक खराब नहीं होती है। और यदि लॉन्ग टाइम तक हमें इन्हें सेफ रखना है तो आप एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख दें, जिससे भी ये काफी लंबे समय तक चलेगी। पापड़ी बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसका जो मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। यदि ज्यादा हो गया तो पपड़ी फ्राई करते समय टूट जाएगी। दूसरा, जो इसका हम डो लगाएंगे वो भी ज़्यादा हार्ड हमें नहीं लगाना है। ज़्यादा हार्ड लगा देंगे तो पपड़ी जो हमारी बिखरी बिखरी बनेगी। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी अच्छी पपड़ी बनी है हमारी। आवाज आप सुन सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।